हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। और जैसा कि आपको पता है, जो क्लासेस हमारी कंटिन्यू चल रही हैं, यानी जैन धर्म को लेकर के, हमने पिछली क्लास में जैन धर्म को लेकर के बात करी थी और उसका थोड़ा सा टॉपिक बच गया था जहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं। और सामान्यतः देखा जाए तो ये सवरा ही इम्पोर्टेंट होता है, पूरा का पूरा चैप्टर की बात करें, पूरे टॉपिक, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते आते हैं। देख लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा। जैन सभा जो आई थी, मैंने बताया था दो प्रमुख जैन सभाओं का आयोजन किया गया था। ठीक है, कौन कौन सी जैन सभाएं थी, तो उससे पहले हम देख लेते हैं पंच ज्ञान। ठीक है, पंच ज्ञान की अगर हम बात करें कि जैन धर्म में पंच ज्ञान को लेकर के की बातें, ठीक है, कि कौन कौन से पंच ज्ञान है जैन बात की गई है। और ये पंच ज्ञान की अगर हम बात करें तो कौन कौन सा पंच ज्ञान है। ठीक है, तो इसमें पंच ज्ञान, जैन धर्म में पंच ज्ञान को महत्वता दी गई है। कौन कौन सा पंच ज्ञान है, देखिए मैं भाई के बारे में बात ज्ञान बात है, तो इनमें से जो पंच ज्ञान है, एक है मति। ठीक है, एक है मति, ठीक है, पंच ज्ञान एक मति है। ठीक है, मति एक है, श्रुति एक मति है, एक श्रुति है जो सुनने के बाद जो तीसरे की बात करें तो अवधि, अवधि, ठीक है, अवधि, अवधि। चार की बात करें तो मन पर्याय, ठीक है, मन है पर्याय। और जो पांचवा जो आता है, पांचवा जो आता है वो आता है, पांचवा नंबर पांच की बात करें तो इसमें आता है कैवल्य। ठीक है, कैवल्य। अब जो मति का प्राप्त ज्ञान मति कहलाता है, इंद्रियों से जो प्राप्त ज्ञान होता है वो मति कहते हैं। ठीक है, इंद्रियों से, हमारी कितनी इंद्रियां होती हैं, पांच इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान मति कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इंद्रियों की बात करें तो इंद्रियां हमारी पांच होती हैं, हमारी कितनी होती हैं, पांच। कौन कौन सी होती हैं, देखिए पांच इंद्रियां होती हैं, पांच सभी जानते हैं, पांच इंद्रियां होती हैं। क्योंकि इंसान जब अपनी इंद्रियों पर काबू कर लेता है तो वो कुछ कुछ भी पा सकता है। तो इसमें हमारी जो इंद्रियां होती हैं वो पांच इंद्रियां होती हैं, जो इन पांच इंद्रियों से, यानी आंख, कान, ठीक है, नाक, मुंह, ठीक है, त्वचा, इनके द्वारा जो हमें चीजें प्राप्त होती हैं, हम जो इनसे जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, पांचों इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त होता है, इस ज्ञान को, इससे पांचों इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान को मति कहलाया। मति मीन्स होता है बुद्धि। क्या होता है, बुद्धि, ठीक है, बुद्धि या स्मृति। तो मति, मति जो था इसमें ये कहा गया था जैन धर्म में कि जो इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त होगा उसे मति कहे हैं। सुरीति का अर्थ होता है सुन करके, ठीक है, सुन करके जो ज्ञान प्राप्त होगा श्रुति है, सुनने किसी से सुनने से मिलने से मिलने क्या कहलाता है, ये श्रुति। अवधि की बात करें तो अवधि का अर्थ होता है दिव्य ज्ञान से, किससे अर्थ, दिव्य ज्ञान से, ठीक है, दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान। अवधि मास होता है दिव्य ज्ञान, यानी जो दिव्य किसी देवता के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है उसे दिव्य ज्ञान कहा गया है। और इसी को कहा गया है अवधि, यानी अवधि का मतलब होता है एक समय सीमा। क्या होता है, एक समय सीमा के अंतर्गत जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं अवधि से दिव्य ज्ञान। मन पर्याय की अगर
दूसरे के मन की बातों को जानने वाले। यानी मान लीजिए जैसे कि अभी आपने एक उनका नाम सुना होगा, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, ठीक है, बागेश्वर धाम के महाराज हैं। वो कि वो दूसरे के मन की बात को जानने से पहले, ठीक है, अब ये उनकी उनके प्रभाव को वो कैसे जानते हैं, जो उनको मानने वाले हैं वो कहते चमत्कारी हैं, जो नहीं मानने वाले हैं, जो उनके विपरीत विरोधी हैं, वो कहते हैं कि कहीं चमत्कारी नहीं है। एक एक कला होती है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान एक होता है, उसी के इसमें उसके हाँ किसी चीज को देख करके या किसी के सामने उसकी देख चीजें देख करके, ठीक है, हाव भाव को देख करके उसमें बताया जाता है। तो इसमें जैसे कि आप सुहानी साहा है, सुहानी साहा, तो उनको आप वहां से देख सकते हैं सुहानी साहा। तो उसमें क्या है कि वो दूसरे के मन की बात को जानते हैं, मन की बात को जान लेती हैं पहले से पहले और बता देती हैं कि उनके मन में क्या है, क्या चल रहा है। तो यहाँ पर जो मन प्रयास मतलब होता है कि उसके मन को दूसरे के मन को जानने वाला ज्ञान। दूसरे के मन की बातों को जानने जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, मन पर्याय कहते हैं। आप यहाँ से एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र जी और सुहानी साहा, ठीक है, कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं ये, ठीक है, यानी जो दूसरे के मन की बात को जान, लेकिन उससे ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बता रहे हैं दूसरों को उसके विषय में कि आपके मन में ये था, आप इस चीज को लेकर के हमारे पास आए हो। लेकिन इसमें क्या होता है कि मान लीजिए दूसरे के मन में क्या चल रहा है, उससे जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं मन प्रिय। तो कर लेता है उसके बाद सर्वश्रेष्ठ के संपूर्ण जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे कहा गया है। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ ठीक है, और इसमें इन छोड़ दिया गया है ना, यानी ये कैवल्य जो थे, यानी जिन विजेता अर्हत जो कहलाते थे वो कैवल्य कहलाते थे, ठीक है। इनमें सबसे ज्यादा जोर जो सबसे ज्यादा जो जोर दिया गया है वो केवल बताया गया है कि जो सांसारिक सुख दुखों को त्याग देता है, ठीक है, मोह माया को त्याग देता है, ठीक है, वो कैवल्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। सर्वश्रेष्ठ ज्ञान ही कैवल्य ज्ञान कहलाता है, ठीक है। तो ये पांच ज्ञान थे, पांच ज्ञान धर्म के अंतर्गत आते हैं ज्ञान। हो चुका हमारा टॉपिक। तो बाकी हमने बात करी थी, मैंने बताया था कि प्रथम जैन सभा आयोजन कहाँ पर हुआ था, समय अवधि की बात करें तो समय अवधि थी इसकी जैन सभा की, मैंने बताया था 300 BC यानी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये इस सभा का आयोजन किया गया था। आयोजन स्थल की बात करें तो पाटलिपुत्र आयोजन स्थल था और स्थूलभद्र इस सभा के पहले अध्यक्ष थे। 12 अंगों का संकलन हुआ था, मैंने अंग भी बताए थे, अंग जो थे ये जैन धर्म में जुड़ने वाले व्यक्तियों के नियम और उपनियम से संबंधित थे, ठीक है। उसके बाद दूसरी जैन सभा, ठीक है, इसको लेकर के मैंने वहां पे मैंने बताया था कि इसके समय, ठीक है, समय कब आयोजित की गई थी, 513 AD में की गई थी या 840 वर्ष बाद इस सभा का आयोजन किया गया था। और ये जो सभा थी इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष की बात करें तो इसके क्षमा शर्मा इसके अध्यक्ष थे, देवधिकरण या क्षमा, ठीक, क्षमा शर्मा जो थे, क्षमा शर्मा स्थान की मैंने बात करी थी, गुजरात, बल्लभी गुजरात में, 2 जैन आयोजन किया जाता है यहाँ पे, लेकिन बौद्ध धर्म में 4 सभाओं का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। 4 सभाएं होती हैं, उसमें 3 तो होती है BC में और 1 होती है AD में, ठीक है, कनिष्क के साथ आयोजन किया जाता है।
पहली बौद्ध संहिति का आयोजन सबको पता है अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरा काल अशोक या काकवण के शासनकाल में, तीसरी अशोक के शासनकाल में होती है, चौथी जो होती है 102 एडी में होती है और ये होती है कनिष्क के शासनकाल में। पहली तो होती है 483 बीसी में, दूसरी होती है 383 बीसी में। जो तीसरी आयोजित की जाती है वो 43 भी आता है वहाँ पे, सॉरी 47 भी आता है और 45 भी आता है। कभी कभी तलेपन में बताते हैं कि 253 बीसी में या 247 बीसी में उसका आयोजन किया जाता है, ये बाद में बात। तो ये क्षमा देवधरी गढ़ के अध्यक्ष स्थान लवी गुजरात में किया गया था, बाती उसमें कुछ बातें क्लियर नहीं हो पाई थी उस चीज को लेकर के, इन दोनों को, इन दोनों में जो जैन धर्म में जो संप्रदाय थे इनमें कुछ मतभेद हो गए थे, उनको सुलझाने के लिए फिर से एक सभा का आयोजन किया गया था। ये क्षमा श्रवण की अध्यक्षता से पहले दो लोग इसकी अध्यक्षता और करते हैं, यानी 840 महावीर स्वामी की मृत्यु के 840 बाद इस सभा का आयोजन किया जाता है। और इसमें देखिए पहली इस सभा में जो पहला जो आयोजन किया जाता है वो एक आर्य स्कंदिल होते हैं, उनकी अध्यक्षता में मथुरा में इस सभा का आयोजन किया जाता है। आर्य स्कंदल की अध्यक्षता में मथुरा में इसका आयोजन किया जाता है और दूसरी नागार्जुन सूरी की अध्यक्षता में बल्लभी में इसका आयोजन किया जाता है। लेकिन ये जो सभा थी का जो आयोजन दो अलग व्यक्तियों की अध्यक्षता में किया गया था, इस चीज को लेकर के इनमें जो बातें थी श्वेतांबर और दिगंबरों में जो बातें थी वो बात क्लियर नहीं हो पाई थी, इसलिए पुनः अध्यक्षता में या देवधिगण की अध्यक्षता में। अब इसमें क्या और चार चार मूल सूत्रों में संकलन किया गया था, ठीक है, या जो चले फिर से 12 उपांग अंगों के उपांग और दिए गए थे, अंग और उपांग ये सब चीज थे और विधि याद रखना, पूछ ले तो याद रखना नियम व विधि नियम, ठीक है, नियम व विधि नियम, ठीक है। ये विधि नियम ब्रह्मांड के बारे में, ब्रह्मांड ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, इन सब के बारे में जानकारी हमें इन्हीं से मिलती है, इनके मध्य इनके अंतर्गत हम ये चीजें पढ़ते हैं। सामान्यतः इनसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन याद रखना आप, ठीक है। चलिए आगे सभा तीर्थकर और एवं उनके प्रतीक कौन कौन से, देखिए आप एक एक करके देख लीजिए पहले। देखिए ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए ऋषभ देव आदिनाथ, ठीक है मैं बता देता हूँ। देखिए ऋषभ देव आदिनाथ और इनका जो प्रतीक है, आप एक एक करके सबको देखते चलिए आज। देखिए जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभ देव आदिनाथ को माना जाता है और इनके प्रतीक चिन्ह की बात करें तो ये वृषभ या बैल, क्या है, वृषभ या बैल या सांड, ठीक है, इसे वृषभ के नाम से पता। आप यहाँ से चित्र जैन धर्म के दूसरे कर इनका जो प्रतीक चिन्ह हाथी था, क्या है, हाथी, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी था, याद रखना हाथी, और जो प्रतीक चिन्ह था वो घोड़ा था, ठीक है, दिख भी रहा होगा घोड़ा, ठीक है, प्रतीक चिन्ह। चौथे थे श्री अभिनंदन नाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है जो आज में, तो पांच जो थे वो सुमितनाथ थे, और सुमितनाथ का जो सुमितनाथ का जो यानी क्रौंच पक्षी था सारस से होता है, ठीक है, और छठा छठे जो थे उनके इनका नाम था पदम प्रभु, ठीक है, पदम प्रभु, इनका जो प्रतीक था वो कमल था, याद रखना देखिए कमल से याद रख लेना, कमल महात्मा बुद्ध के जीवन का भी काल है, सॉरी जीवन का भी प्रतीक है, जो इनका जन्म हुआ था तो उनके जन्म का प्रतीक कमल ही है। देखिए आगे इनका नाम था, नंबर 7 पे जो आते हैं, नाम था इनका सुपार्श्वनाथ, और इन
सथिया, ठीक है, सथिया स्वास्थ्य, स्वास्थ्य ठीक है, स्वास्थ्य का चिन्ह जो किसकी देन थी, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा स्वास्तिक का चिन्ह दिया गया था। ये सिंधु, ये जो स्वास्तिक का चिन्ह या सत्या थी, ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की देन है, याद रखना, ठीक है, पूछ रहा जाता को। श्री अगले जो आते हैं 8वें नंबर के, इनका नाम है श्री चंद्र प्रभु या स्वामी, चंद्र प्रभु स्वामी, और चंद्र स्वामी का जो है इनके नाम में देखिए आ रहा चंद्र, और इनका प्रतीक भी है चंद्रमा, याद रखना। नाम ठीक है, चंद्रमा के देवता, और इनका प्रतीक चिन्ह भी चंद्रमा ही है, ठीक है। आगे जो थे इनका देखिए, आगे नीचे देखिए, पुष्पदंत, ठीक है, पुष्पदंत या सुविधिनाथ, पुष्पदंत या नौ थे, और ठीक है, क्या है मगरमच्छ, देखिए आप कमल से याद रखिए कि कमल के फूल कहाँ खिलते हैं, कि क्या के में किस में खिलते हैं, तालाब में, नदियों में, और तालाब में किसकी, तालाब में क्या पाया जाता है, दंत, तो बड़े बड़े दांत होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, तो इसलिए याद रखना कि इनका जो क्या चिन्ह रहेगा, प्रतीक चिन्ह मगरमच्छ, ठीक है। 10वें जो तीर्थ कर रहे हैं इनके, इनका नाम है श्री शीतलनाथ, और श्री सीतानाथ, और प्रतीक चिन्ह श्री वत्स, देखो ये दिख रहा श्री वत्स। आगे नेक्स्ट की बात, नाम है देखिए अगले जो है इनका, होगा ठीक है, 11वें नंबर जो तीर्थ करते हैं जैन धर्म के, जो 11वें नंबर के तीर्थ थे उनका नाम गेंडा, प्रतीक चिन्ह भैंसा, ठीक है। और याद जैसे सामान्य जैसे पूछा नहीं जाता इनमें, लेकिन जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो इसके पहले दूसरे, ठीक है, तीसरे जो होते हैं, तीसरे नहीं पूछे जाते हैं ज्यादा, 22 में पूछे जाते हैं, 19 में पूछे जाते हैं, 22 में पूछे जाते हैं, 23 में पूछे जाते हैं, 24 में। मल्लिन जो इनके 19 में तीर्थ करते हैं मल्लिनाथ, उनके बारे में भी आता है, उनके बारे में पूछा भी, ठीक है। 12 तक लिया वासु पूज्य जी, इनका तो प्रतीक चिन्ह था वो है क्या, भैंसा, ठीक है, वासु पूज्य जी, इनका प्रतीक चिन्ह भैंसा है। आगे देखिए बात करें नेक्स्ट तो 13वें की, ठीक है, मैं एक करके बता देता हूँ, देखिए ठीक है, देखिए 13वें जो विमलनाथ, ठीक है, विमलनाथ जी प्रतीक सुकर, सुकर में सुकर क्या है, सुअर, ठीक है, सुअर यानी सुकर जो था, जिसे जिस जो महात्मा बुद्ध थे वो ग्रस्त हो गए थे रोग से, अतिसार रोग से ग्रस्त हो गए थे, मैंने बताया भी था कि लास्ट में जा करके, ठीक है, लास्ट में जाते हैं वो, और जो लास्ट में जाते हैं, और लास्ट में जाने के बाद अपने एक शिष्य के चुंद के यहाँ पर, ठीक है, तो अपने शिष्य चुंद के यहाँ पर जाते हैं, और जाने के बाद वहीं पर ही, ठीक है, इनको क्या होता है, सुकर मीट दिया जाता है, सुकर का मांस खाने के लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि महावीर सॉरी महात्मा बुद्ध जी, ठीक है, निकले थे, और निकलने के बाद पहला ही ग्रहण पड़ा था, इन्होंने मांगा, और मांगने के बाद क्या हुआ था कि उसमें पहला ही घर पड़ा था बस्ती में, पहला ही दरवाजा खटखटाया था, और सन्यासी थे तो सन्यासी पहला ही खटखटाया था, वो बताऊंगा मैं इस कहानी को आगे, पहला ही खटखटाया था, तो वहां पे उसमें से उसकी लड़की निकली, उसकी लड़की ने कहा कि हमारे घर पे आज ऐसा कुछ नहीं बना, वो बताने से शर्मा रही थी। फिर बाद में पूछी कि एक सन्यासी, एक साधु सन्यासी है, और खाली हाथ भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है, अभी भी आप देखते हैं जो सामान्यतः गांव में देखते हैं या शहर में देखते हैं, तो ये लोग सोचते हैं, मतलब लोग सोचते हैं कि कोई साधु सन्यासी या कोई भी हमारे घर पर आया मांगने के लिए, तो उसे खाली हाथ ना भेजा जाए। लड़की ने कहा कि महाराज हमारे यहाँ पे सिर्फ सुअर का मीट बना हुआ है, ठीक है, तो महात्मा बुद्ध जी थे, उन्होंने क्या कहा है, देखिए उन्होंने क्या था, उन्होंने एक प्रसाद रूप में, भोजन के रूप में ग्रहण किया, और उसे खाने के बाद उन्हें अतिसार रोग हो गया था, तो सुअर का मीट खाया था, अतिसार रोग हो गया, जिसके कारण उनकी 83 वर्ष की अवस्था, सॉरी 80 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई थी 483 BC में, ठीक है। चलिए वो मैं जब महात्मा बुद्ध पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा आगे,
चलिए आगे देखिए, इसमें अगले जो थे इनका नाम है अनंतनाथ जी, ठीक है। चौदहवें जो तीर्थ करते हैं इनका नाम था अनंतनाथ जी, और इनका प्रतिचिंता से ही, ठीक है, सीही 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 याद है ना, सीही से ही बोलते हैं, इसे गांव की भाषा में ज्यादातर सामान्यतः से ही बोलते हैं। से ही है वही है जिसके शरीर में बहुत सारे कांटे कांटे से होते हैं, लंबे लंबे कांटे कांटे से होते हैं, ये से ही है, तो याद रखना सीही, ठीक है। पंद्रहवें जो तीर्थ करते हैं, पंद्रहवें तीर्थ कर इनका नाम था धर्मनाथ जी, और इनका देखिए इनका जो दंड एक टाइप में दिख रहा है वज्रदंड, ठीक है, दिख रहा होगा वज्रदंड, ठीक है, तो वज्रदंड इनका प्रतीक चिन्ह है। और सोलहवें जो तीर्थ कर रहे हैं इनका नाम है शांतिनाथ जी, और प्रतीक चिन्ह हिरण, क्या है, हिरण, तीर्थ कर इनका प्रतीक चिन्ह हिरण, और बकरा। अठारहवें जो तीर्थ कर रहे हैं इनका नाम है अरनाथ जी, ठीक है, और इनका जो प्रतीक चिन्ह हुआ मच्छ, मच्छ मीन्स मछली, क्या है, मछली, ठीक है, इनका जो प्रतीक चिन्ह वो है मछली, याद रखना। कर दिए बात है, इस पे विवाद भी होता है, श्वेतांबर और दिगंबरों में इस पे विवाद होता है। इनका प्रतीक चिन्ह कलश, ठीक है, मल्लीनाथ 19 थे, और मल्लीनाथ को लेकर के देखिए मल्लीनाथ की बात करें, मल्लीनाथ देखिए मल्लीनाथ की बात करें, पहली बात थे 19वें तीर्थ करते, कितने तीर्थ करते, 19वें तीर्थ कर, याद रखना 19वें तीर्थ कर मल्लीनाथ, 19वें तीर्थ कर माने इसमें श्वेतांबर में और दिगंबर में, श्वेतांबर है। अब मतभेद क्या है, देखिए दिगंबरों में दोनों में मतभेद है, श्वेतांबर जो है इनको स्त्री मानते हैं जबकि दिगंबर इनको पुरुष मानते हैं, ठीक है, श्वेतांबरों के अनुसार, ठीक है, श्वेतांबरों के अनुसार जैन धर्म के 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ पुरुष स्त्री थे, जबकि दिगंबर अनुसार जैन धर्म के 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ पुरुष थे। ये मानते हैं कि श्वेतांबर के अनुसार ये भी माना जाता है कि महावीर स्वामी का विवाह हुआ था, ठीक है, महावीर स्वामी का विवाह हुआ था और इनकी एक पुत्री भी थी, जबकि दिगंबर ये मानते हैं कि महावीर स्वामी का कोई विवाह नहीं हुआ था, ये जीवन भर ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत किया था इन्होंने, इनकी कोई पुत्री नहीं थी, ठीक है, तो इसको याद रखना दोनों हैं। और दिगंबर मानते हैं कि ये पुरुष थे जो स्त्री थी, नंबर 20 आते हैं, 20 में इनके तीर्थ कर, इनका नाम था मुनि सुव्रत नाथ जी, मुनि सुव्रत नाथ जी, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था कछुआ, ठीक है, प्रतीक चिन्ह, ठीक है, नैमिनाथ 21वें तीर्थ का नाम था इनका नैमिनाथ, ठीक है, नैमिनाथ का आता है, और देखिए इनके नाम में नमी आ रहा है तो नमी, ठीक है, नील, याद रखना 21वें तीर्थ कर, 21वें तीर्थ का नाम था इनका नैमिनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह वो कमल, क्या है, नील कमल, तो याद है ना नील कमल, और नेमी नमी, नमी कहाँ होगी, जो में या समुद्र या तालाब के आसपास वाला क्षेत्र जो होता है वहां पे नमी ज्यादा पाई जाती है, तो नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नील नदी है, ठीक है, जो आपके विक्टोरिया लेक से निकलती है और सीधा कहाँ गिरती है, हिंद महासागर, सॉरी ठीक है, भूमध्य सागर में जाकर गिरती है, और ये कहाँ से निकल के जाती है, मिस्र से होकर के निकल के जाती है, तो यहाँ पे याद रखना नील नदी नैमिनाथ, और इनका प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, कमल था। आगे बात करें नमीनाथ और एक नैमिनाथ, ठीक है, नमीनाथ और 22वें तीर्थ कर कौन थे, ठीक है, ये अरिष्ट नेमी है, यहाँ पे दो दो बार एक जगह अरिष्ट नेमी, याद रखना अरिष्ट नेमी, ये 22वें तीर्थ करते अरिष्ट नेमी, ठीक है, अरिष्ट नेमी, नेमिनाथ या अरिष्ट नेमी, ठीक है, नमीनाथ करते केवल दो ही ऐसे तीर्थ कर हुए हैं जिनका जिनका उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है, 22वें तीर्थ कर अरिष्ट नेमी, और पहले तीर्थ कर ऋषभ देव के बारे में हमें उल्लेख कहाँ से मिलता है, ऋग्वेद से हमें उल्लेख मिलता है, तो 22वें तीर्थ कर इनका नाम था अरिष्ट नेमी, ठीक है, नेमी से नेमी हो गया, यहाँ पे अरिष्ट नेमी कर देना, तो 22वें तीर्थ कर अरिष्ट नेमी, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ मैंने बताया था, पार्श्वनाथ 20वें तीर्थ करते और इनका प्रतीक चिन्ह था सर्प, सांप, क्या था, सांप, इनका प्रतीक चिन्ह था सांप,
को पता महावीर स्वामी और इनका प्रतीक चिन्ह था शेर सिंह, सिंह सिंह क्या था इनका प्रतीक चिन्ह था, ठीक है। चलिए और जिसे दो जो चीजें इसमें से कुछ चीजें जो एक वो थे क्या नाम था उनका, ठीक है, बाहुबली की मूर्ति जो बनवाई गई थी, ठीक है, बाहुबली मूर्ति दक्षिण भारत बाहुबली की मूर्ति यानी ऋषभ देव के जो बेटे थे बाहुबली उनकी मूर्ति बनवाई गई थी, ठीक है। तो गंग वंश के शासक थे, ठीक है, तो गंग वंश तो दक्षिण भारत में ठीक है नाम था इसका, राष्ट्रकूट वंश के शासक का नाम था इंद्र चतुर्थ। राष्ट्रकूट वंश के शासक इंद्र चतुर्थ ने अनशन की विधि के द्वारा यानी व्रत और अनशन के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे, ठीक है। तो कुछ जो 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 टॉपिक हैं वो धीरे धीरे होते चले जाएंगे, आज इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि ये क्लास पूरी तरीके से हो चुकी है, ठीक है। ठीक है, इसमें जो जो टॉपिक आते हैं वो सब हो चुका है, ठीक है। अब जो जो देखिए ऐसा है कि सब चीज़ें ज़्यादा संभवतः ऐसा होता है, कुछ चीज़ ऐसी होती हैं कि सोचते हैं कि नहीं आ पाएंगे एग्जाम में, छोड़ देते हैं उन्हें, आप उन्हें थोड़ा सा देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ को लेकर के। आपको कोई डाउट लगे तो हमें कमेंट कर देना, हम कमेंट करके आपको डाउट निश्चित आपको डाउट क्लियर किया जाएगा। तो ठीक है, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगला हमारा टॉपिक चलेगा बौद्ध धर्म को लेकर के, ठीक है। जैन धर्म आज खत्म करते हैं पूरी तरीके से क्योंकि देखिए इसकी 7 वीडियो हो चुकी हैं ऑलरेडी, ठीक है, ये 7वीं वीडियो है, 7वीं क्लास है ये, ठीक है। आज इसको खत्म करते हैं, तो आप समझ सकते हैं जैन धर्म 7:21 यानी 2 घंटे 10 मिनट की पूरी क्लास हुई है, और ज़्यादा की उसे लगभग 2.5 घंटे की क्लास है जैन धर्म को लेकर के, यानी कुल मिलाकर के सभी क्लासों को मिलाया जाए तो 2.5 घंटे की से ज़्यादा की क्लास बैठ चुकी है हमारी, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा डिटेल से मई है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बौद्ध धर्म को लेकर के, ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, हमें बहुत खुशी होती है कि आप हमारे साथ जुड़ते हैं। चलिए धन्यवाद।